नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आपका डीएलएड तृतीय सेमेस्टर मैथ के अंतर्गत ये जो चैप्टर है आपका 7 है, और इसमें आज इसके कॉन्सेप्ट का वीडियो लास्ट जाने वाला है आपके लिए। इससे पहले कि अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप जबकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आप देखिए, यहाँ पर ये लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट का। देखिए, शेयर और लाभांश में अंतर क्या होता है, ये चीज़ हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो देखिए, शेयर अंश कंपनी की पूंजी का अंग होता है और कंपनी इसे वापस नहीं करती है। जो शेयर होता है, शेयर कंपनी का क्या होता है, एक अंश होता है। क्योंकि शुरू में जब कंपनी सेटअप होती है तो शेयर अपने वो डिवाइड कर देती है कि इतने शेयर हमने दिए हुए हैं। जो लोग बाग खरीद लेते हैं वो कंपनी के कैसे हो जाते हैं, एक साथी की तरह उनको बन जाते हैं। जबकि ऋण पत्र क्या होता है, तो ऋण पत्र के आधार पर लिया गया ऋण निश्चित अवधि के अंत में, यानी एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम होता है, में कंपनी द्वारा वापस कर दिया जाता है। कि कहा कि हम इतने समय के लिए इस चीज़ को फिक्स कर रहे हैं और हमें ऋण पत्र ये इसके काम में आता है। यहाँ शेयरधारी अपनी कंपनी के हिस्सेदार मालिक होता है, क्या होता है, कंपनी का हिस्सेदार होता है वह ऋण पत्र धारक। और जो ऋण पत्र धारक होता है वो क्या होता है, केवल कंपनी को ऋण देता है, क्या करता है, कंपनी को ऋण देता है और उसका हिस्सेदार नहीं बनता है। तो जो ऋण पत्रक होता है, ऋण पत्र धारक होता है, वो कंपनी को केवल ऋण देता है, उसका मालिक नहीं होता है। परंतु जो शेयर होल्डर होता है वो उसका क्या होता है, वो उसका मालिक होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। जो शेयरधारी होता है, और ऋण पत्र वाला क्या है, ऋण पत्र वाला वो नहीं है, आपका मालिक नहीं है उसका। इसी प्रकार शेयर पर लाभ आधारित विभिन्न दरों पर लाभांश दिया जाता है। शेयर पर आधारित जो होता है उस पर लाभ दिया जाता है, लाभांश दिया जाता है, जबकि ऋण पत्र पर पूर्व निर्धारित दर पर ही ब्याज दिया जाता है। यानी पहले ही बता दिया जाता है कि इस दर से हम आपको ब्याज देंगे, तो आप हमें ऋण दे दीजिए, इतने समय के लिए ऋण दे दीजिए। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर जो पूर्व निर्धारित कर दिया जाता है कि 5% भी देना है, तो 5% ही मिलेगा, चाहे कंपनी कितना भी प्रॉफिट में चली जाए, चाहे कितने भी लॉस में चली जाए, आपको उतना ही मिलेगा। चाहे भले ही कंपनी घाटे में जा रही हो, ब्याज का प्रकरण प्रायः छमाही अथवा वार्षिक दर पर क्या किया जाता है। तो इस तरीके से आपके जितने भी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। अब आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के वो मैं कराऊंगा, उससे पहले मैं आपको सभी एग्जांपल्स समझाऊंगा। तो आपको सभी वीडियोस टाइम पे मिलती रहें उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, आपके एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं, और कब आपके एग्जाम हो सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको पूरा एक वीडियो दूंगा आपके लिए, ठीक है। जो भी आप हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं आपको पूरी अपडेट कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।